एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं मारुति की विटारा ब्रेजा पेट्रोल और मारुति की एस क्रॉस पेट्रोल मॉडल के बीच में। तो डिटेल्ड कंपैरिजन के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंडियन मार्केट में एस क्रॉस का पेट्रोल वर्जन लॉन्च हो चुका है, जिसकी शुरुआती कीमत 8,39,000 रुपये से शुरू होती है। इस क्रॉसओवर एसयूवी के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और फीचर्स में भी ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस है पावर ट्रेन का, क्योंकि ये एसयूवी अब 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में आती है, जो कि पहले 1.3 लीटर के डीजल इंजन में आया करती थी। वहीं इसी सेगमेंट में मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा भी आती है, जिसकी शुरुआती कीमत 7,34,000 रुपये रखी गई है। और इन दोनों ही एसयूवीज में बहुत से सेम फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और जानते हैं कि कौन सी एसयूवी ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के बीच स्पेस की, कि कौन सी व्हीकल ज़्यादा स्पेशियस है। मारुति एस क्रॉस की टोटल लेंथ 4300 mm है, टोटल विड्थ 1785 mm और टोटल हाइट 1595 mm है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो इसमें 2600 mm का लॉन्ग व्हील बेस दिया गया है, साथ ही 375 liters का बूट स्पेस भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मारुति विटारा ब्रेजा की टोटल लेंथ 3995 mm है, टोटल विड्थ 1790 mm और टोटल हाइट 1640 mm है। वहीं इसमें 2500 mm का व्हील बेस दिया गया है। साथ ही इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 328 liters का बूट स्पेस मिलता है। तो इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि एस क्रॉस विटारा ब्रेजा के मुकाबले ज़्यादा लेंथी है और इसमें ज़्यादा लंबा व्हील बेस भी मिलता है। तो दोनों के मुकाबले एस क्रॉस में ज़्यादा स्पेशियस कैबिन दिया गया है। लेकिन अगर आप इस व्हीकल को अनइवन रोड्स पे यूज़ करते हैं तो विटारा ब्रेजा की ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm की दी गई है, जबकि एस क्रॉस की ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 180 mm है। यानी कि विटारा ब्रेजा अनइवन रोड्स पर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगी। अब बात करते हैं कि दोनों में से आपको किस में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो बता देंगे, दोनों ही एसयूवीज में सेम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दोनों में ही आपको 7 inch का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल और इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप फंक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों में भी एक जैसी ही सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लस सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है। अब बात करते हैं दोनों में कौन ज़्यादा परफॉर्मर है। एस क्रॉस और विटारा ब्रेजा दोनों के अंदर ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 103 BHP की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ दिया गया है। दोनों ही व्हीकल्स में आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें आपको बेटर फ्यूल इफिशेंसी, आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, टॉर्क असिस्ट फंक्शन और ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन फंक्शन दिया गया है। लेकिन दोनों के बीच में बड़ा फर्क यह है कि एस क्रॉस के ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में ही आपको हाइब्रिड फंक्शन दिया गया है, जबकि विटारा ब्रेजा के ऑटोमेटिक मॉडल के अंदर ही स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जबकि विटारा ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर हाइब्रिड फंक्शन नहीं आता। अब बात करते हैं दोनों में कौन है ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट। एस क्रॉस मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज 18.55 किलोमीटर पर लीटर का है, जबकि एस क्रॉस ऑटोमेटिक का माइलेज 18.43 किलोमीटर पर लीटर का है। वहीं विटारा ब्रेजा की बात करें तो विटारा ब्रेजा मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज 17.3 किलोमीटर पर लीटर का है, जबकि ऑटोमेटिक का माइलेज 18.76 किलोमीटर पर लीटर का दिया गया है। तो पॉइंट क्लियर है, विटारा ब्रेजा मैनुअल का माइलेज एस क्रॉस से कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर हाइब्रिड फंक्शन नहीं आता, जबकि विटारा ब्रेजा ऑटोमेटिक का माइलेज एस क्रॉस से ज़्यादा आता है।
तो दोस्तों अब लास्ट बात करते हैं कि कौन सी कार आपको बाय करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस। मारुति एसक्रॉस मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम 8,35,000 रुपये से शुरू होकर के 11,15,000 रुपये तक जाता है, जबकि ब्रेजा मैनुअल का एक्स शोरूम 7,34,000 रुपये से शुरू होकर के 9,98,000 रुपये तक जाता है। वहीं बात करें ऑटोमेटिक मॉडल की तो एसक्रॉस का एक्स शोरूम कॉस्ट 10,83,000 रुपये से शुरू होकर के 12,39,000 रुपये तक जाता है। वहीं विटारा ब्रेजा का ऑटोमेटिक एक्स शोरूम 9,75,000 रुपये से शुरू होकर 11,04,000 रुपये तक जाता है। तो दोस्तों फिगर क्लियर है, एसक्रॉस मैनुअल 1,05,000 रुपये और एसक्रॉस ऑटोमेटिक 1,08,000 रुपये विटारा ब्रेजा से महंगी है। तो दोस्तों पॉइंट क्लियर है, क्या एक स्पेशियस कैबिन और लार्ज बूट स्पेस के लिए आप 1,05,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कंपैरिजन वीडियो समझ आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। It's about feeling at ease, knowing well that the way isn't easy. Petrol Engine, power to be wicked.